नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप फाइव। बिना देर के शुरू करते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट जानने का क्रम। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से लौटते ही टीएस सिंहदेव, पूर्व डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बड़े बयान में कहा है कि जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे स्वीकार करेंगे। दरअसल परिवर्तन की अटकलों के बीच ये बयान आया है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तत्काल संगठन में बदलाव करना है ऐसी बात नहीं है। दो दिन के भीतर पूर्व डिप्टी सीएम के दो बयान हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कुछ घंटे पहले तक कि बदलाव तो होना ही चाहिए। कांग्रेस में दिल्ली के भीतर जो एक के बाद एक मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, इसके बाद ये बयान आया जिसके मायने निकाले गए। सिंहदेव ने कहा था परिवर्तन जरूरी है। आज वे कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे और तत्काल परिवर्तन की जरूरत हो ऐसा उनको नहीं लगता। अब इन दो बयानों से फिर से कई तरह के कयास लग चले हैं। फिर से सियासी गलियारे में हलचल तेज है। क्या कांग्रेस में फेरबदल होने जा रहा है? क्या क्षेत्रीय संगठन में बदलाव की उम्मीद है? क्या कोई नई जिम्मेवारी मिलने वाली है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसे स्वीकार करेंगे। तो दो बड़े बयान टीएस सिंहदेव के पिछले दो दिन में सामने आए हैं। पिछले दिनों कहा था कि परिवर्तन तो जरूरी है, यह भी कहा था कि मंथन चिंतन के बाद परिवर्तन होगा जिस तरह की उम्मीद है। और दूसरी तरफ आज उन्होंने कहा कि परिवर्तन फौरन हो ऐसी आवश्यकता नहीं है। पार्टी जो कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। तो फिर से पूर्व डिप्टी सीएम के दो बयानों ने राजनीतिक हलके में हलचल मचा दी है, खास तौर पर कांग्रेसी खेमे में। दरअसल पिछले दो दिन में वीरप्पा मोइली के साथ में जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके प्रेसिडेंट थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, यहां जो समिति बात करके गई थी, इसके बाद रिपोर्ट सौंपने से पहले मोइली ने बातचीत की सभी सीनियर नेताओं से, जिसमें शामिल थे पूर्व डिप्टी सीएम। और उन्होंने उसके बाद ही कहा था कि परिवर्तन आवश्यक है, जरूरी है, होना चाहिए। यह भी कहा था कि बैठकों के बाद में इसके क्रम दिख सकते हैं। और अब वे कह रहे हैं कि तत्काल परिवर्तन हो ऐसा आवश्यक नहीं है, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा। ये कड़े निर्णय लेने का हाईकमांड की सोच और मंशा को दर्शाता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ओडिशा में तो मेरी जानकारी में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नॉमिनेट भी नहीं हुई थी। और ओडिशा में पिछली चुनाव की तुलना में अगर आप देखें तो विधानसभा में कांग्रेस को 9 सीटें आई थीं, अब की 14 सीटें आई। बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले बार से नीचे नहीं गए। तो टीएस सिंहदेव का दिल्ली से लौटते ही एयरपोर्ट पर बयान आपने सुना, पिछली बार से नीचे नहीं गए हैं, मतलब पिछला जो लोकसभा चुनाव का नतीजा था उससे नीचे तो नहीं गए, लेकिन परिवर्तन की अटकलों के बीच में उनका ये कहना कि जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा, तत्काल संगठन में बदलाव हो ऐसा जरूरी नहीं। पर कुछ दिन, कुछ घंटे पहले उनके बयान कुछ और थे, तब भी एक मीटिंग हुई थी, तब भी उनकी प्रतिक्रिया जानी गई थी। सुनिए जरा उस मीटिंग के बाद एक दिन पहले क्या कहा, सुनवाते हैं आपको क्या कहा था उन्होंने कल, फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आखिर इतनी हलचल क्यों है। परिवर्तन तो देखिए ये प्रकृति का नियम ही है, तो स्थिरता बनी रहेगी कि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा ये तो संभव ही नहीं है। पर क्या करना, कितना करना, हर जगह की अलग परिस्थिति रहती है उस हिसाब से। तो ये बाइट थी, ये उनकी प्रतिक्रिया थी, ये उनका बयान था फौरन बाद जब वीरप्पा मोइली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में वे शामिल हुए थे। और इसके बाद उनसे दिल्ली में पूछा गया था कि क्या परिवर्तन होने जा रहा है प्रदेश इकाइयों में, जैसा कुछ राज्यों में दिखा भी। तब उनका ये कहना था परिवर्तन तो नियम है और परिवर्तन होगा, लेकिन अब वे कहते हैं कि फौरन परिवर्तन हो जरूरी नहीं। और ये भी कहते हैं जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। तो कांग्रेस पार्टी में क्या बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, इसको लेकर के बड़ा बयान आया। और ये बड़ा बयान आया कि जो जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी निभाएंगे, जैसा कि आपने सुना भी। तो टीएस सिंहदेव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि फौरन इसमें परिवर्तन हो ऐसा आवश्यक नहीं है। दिल्ली से लौटने के बाद उनका यह बयान था।
आते हैं दूसरी खबर पर। बड़ी खबर है रायपुर से, भू माफिया गुरुचरण होरा की एक और करतूत सामने आई। होटल ग्रैंड इंपीरिया में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया। अवैध निर्माण को लेकर निगम ने नोटिस दिया है, लाखों वर्ग फीट में यह अवैध निर्माण चल रहा है। निगम के नोटिस के बावजूद निर्माण बेधड़क जारी है। दूसरी तीसरी मंजिल पर अवैध निर्माण का काम हो रहा है। निगम एक साल से नोटिस पर नोटिस दे रहा है। होरा को अंतिम चेतावनी भी दी गई है, ये सूत्र बताते हैं, लेकिन निर्माण नहीं रुका है, वो अपनी गति से चल रहा है। तो भू माफिया गुरुचरण सिंह होरा की एक और करतूत, जो होटल ग्रैंड इंपीरिया है, अवैध निर्माण का काम उसमें हो रहा है, अगली मंजिलें तान रहा है। अवैध निर्माण को लेकर निगम ने नोटिस दिया, लास्ट टाइम नोटिस दिया गया है, अंतिम चेतावनी दी गई है, इसके बावजूद निगम के नोटिस को दरकिनार करते हुए दूसरी तीसरी मंजिल पर यह अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। तो ग्रैंड विजन का मालिक, उसके ग्रैंड इंपीरिया में जो कारनामा है खुलकर सामने आ चुका है, और क्यों नोटिस के बाद भी उनका कोई असर नहीं हो रहा, यह जरा जानने का प्रयास करेंगे। संदीप शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संदीप, एक और करतूत, एक के बाद एक कई सारी करतूतें खुल रही हैं, बताएं जरा नोटिस का असर क्यों नहीं हो रहा साहब पर। पुनीत जी, 1 फरवरी 2023 को पिछले साल जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जब उस घोरा को जो है नोटिस दिया गया था, लगभग 1 लाख वर्ग फुट के अवैध निर्माण सेकंड फ्लोर पर कर रहा था, लेकिन दबंगई देखिए पूरा मामला दबा दिया गया। और आप देखेंगे कि अभी भी यहाँ पर तेजी से जो है वो अवैध निर्माण चल रहा है। सिर्फ सेकंड फ्लोर नहीं बल्कि तीसरे माले पे भी है जो है निर्माण लगातार जो है चल रहा है। और आप चाहेंगे 40 मीटर गहराई पे अंदर होटल है, 40 से 50 मीटर अंदर हम चल के आया है, अभी भी वहां पर भाड़ा बांधा हुआ है, लगातार जुड़ाई का प्लास्टर का तमाम काम चल रहा है। और सिर्फ सेकंड फ्लोर नहीं थर्ड फ्लोर में भी ये निर्माण तेजी से चालू है। और चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार नोटिस मिला, अगर सोचे कोई आम आदमी होता है तो 10 दिन का नोटिस मिलता है, 3 नोटिस के बाद उसका जो है निर्माण ढहा दिया जाता है, और कुल मिला के पूरी कार्रवाई जो होती है 20 से 21-22 दिन में सिमट जाती है। लेकिन चूंकि अनिल टुटेजा जैसे कई अधिकारी है जिसको होरा का सीधा सीधा संरक्षण मिला हुआ था, उस कारण पूरा मामला 2023 की शुरुआत से ही शुरू हो गया था, जब उस समय कांग्रेस सरकार थी, उसके पहले भी होरा को दस्तावेज जमा करने कहा गया था, लेकिन इससे कभी जो है दस्तावेज जमा नहीं किए। अभी आपको बता दें कि सहायक की सरकार है तो एक मामला फिर से एक बार संज्ञान में आया है, और 12 अगस्त को गुरुचरण होरा को फिर से एक बार जो है दस्तावेज देने के साथ साथ अंतिम चेतावनी दी गई है कि वो इस पर दस्तावेज जमा करे, कितना निर्माण है, वरना इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कोई टाइम लिमिट दी गई दस्तावेज जमा करने की, जो आप 12 अगस्त के नोटिस की बात करें संदीप? वो 3 दिन का समय दिया गया है, 15 अगस्त को समय सीमा खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो है होरा पे कार्रवाई कायदे से होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा उदाहरण है पुलिस की, देखिए 21 के साथ 7-7 दिन का नोटिस मिलता है, 3-3 दिन का नोटिस मिलता है, या तो 10 दिन होता है या 21 दिन में ऐसे आमतौर पर कार्रवाई आम आदमी पे हो जाती है। लेकिन अभी होरा पे लगातार जो है मामला दबा के रखा गया था, वो तो अब ये समझिए कि सरकार बदली है तो होरा का मामला सामने आया है, दस्तावेज की जांच के बाद एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा भाजपा सरकार लगातार गुरुचरण होरा के अवैध कब्जे को हटाया, कौशल्या विहार से हटाया, चलिए तो जैसा संदीप अभी हमको बता रहे हैं, 12 अगस्त को एक फाइनल नोटिस दिया गया है, अंतिम चेतावनी के तौर पर 12 अगस्त को नोटिस सर्व हुआ है, 3 दिन की मोहलत दी गई है कि जवाब दें, दस्तावेज दिखाएं कि किस अनुमति के आधार पर आप निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या इस नोटिस पर कोई जवाब आता है या फिर ये करतूत जारी रहती है? क्या अब सरकार जो एक्शन ले रही है, अब सरकार जो दबाव बना रही है, दबिश दे रही है, उस पर एक्शन होगा? जैसा संदीप ने बताया कि 3 से 7 दिन के भीतर एक्शन दिख जाता है आम आदमी पर, यहां इतनी लंबी मोहलत कैसे दी जा रही है, यह सवाल भी उठता है। शुक्रिया आपका संदीप इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, होटल ग्रैंड इंपीरिया धड़ल्ले से दूसरी तीसरी मंजिल पर अवैध निर्माण का काम चल रहा है, अवैध इसलिए कोई दस्तावेज नहीं है अनुमति वाले, लेकिन क्या अब जो फाइनल नोटिस है उस पर एक्शन होगा, यह सवाल है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद
आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस मंगलवार को ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां पर पहुंचकर हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान माइनॉरिटी राइट्स मूवमेंट का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल यूनुस से मिला। इस दौरान छात्रों ने मोहम्मद यूनुस के सामने 8 सूत्री मांगे रखे। बता दें कि मोहम्मद यूनुस ने ऐसे समय पर हिंदू मंदिर का दौरा किया जब बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। मोहम्मद यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर में कहा कि देश को संकट की स्थिति से बाहर निकालने के लिए लोगों को बांटने की बजाय उन्हें एकजुट करना चाहिए और इस तरह के चुनौतीपूर्ण समय में सभी को धैर्य के साथ रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो एक परिवार की तरह हो और परिवार के भीतर भेदभाव और झगड़े का सवाल ही नहीं उठता। हम सभी बांग्लादेश के लोग हैं, हम सभी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम यहाँ शांति से रह सकें। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। हर घर तिरंगा अभियान में लगातार बीजेपी के दिग्गज भी शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में भी विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इसी तरह राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने भी राजस्थान में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा तालाब में तैरती नावों के बीच तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जहां कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसी तरह असम के गुवाहाटी में बाइक रैली निकाली गई। हरियाणा के अंबाला में भी लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तेलंगाना के करीमनगर रंगारेड्डी में भी स्थानीय लोगों ने विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और जम्मू कश्मीर के उधमपुर पोस्ट ऑफिस में भी सभी कर्मचारियों ने हर घर तिरंगा यात्रा अभियान में शामिल हुए। वहीं श्रीनगर अनंतनाग में भी बाइक रैली से विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने दोनों के माफीनामा को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़ा केस बंद कर दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में स्वामी रामदेव ने माफीनामा पेश कर भविष्य में भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का वादा किया था। बता दें कि साल 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर आरोप लगाया गया कि कंपनी ने कोविड वैक्सीन ड्राइव और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को बदनाम किया। तो वहीं पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी के कई खिलाड़ी आज स्वदेश लौटे। दिल्ली एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। जो हॉकी खिलाड़ी आज स्वदेश लौटे हैं उनमें गोलकीपर श्रीजेश, अमित रोहिदास समेत कई खिलाड़ी हैं। वहीं कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले अमन सहरावत भी स्वदेश लौटे। और इधर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में देशभर की 3 लाख छात्रों की हड़ताल जारी है। एम्स दिल्ली समेत देशभर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं इस वजह से प्रभावित हुई हैं। इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं। ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने लिखित आश्वासन मिलने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है और वहीं लगातार हड़ताल से दूसरे संगठन भी जुड़ते जा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी हड़ताल से जुड़ चुका है। डॉक्टरों की मांग है कि इस घटना की ट्रांसपेरेंट जांच की जाए। तो कोलकाता वाली हत्याकांड को लेकर पूरे देश में आक्रोशित हैं डॉक्टर्स में, खासतौर पर इसका आक्रोश दिख रहा है। भोपाल इंदौर की तस्वीरें देखिएगा, डॉक्टर्स के प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें। भोपाल एम्स के डॉक्टर हड़ताल पर गए, इंदौर में काम बंद कर हड़ताल की। जूनियर डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हैं। रेप मर्डर केस में सीबीआई और ट्रांसपेरेंट जांच की मांग पूरे देश के डॉक्टर्स कर रहे हैं। सिर्फ इमरजेंसी सुविधाएं चालू हैं, बाकी सारी जगह इन डॉक्टर्स के ना जाने से, हड़ताल पर रहने से काफी दिक्कतें मरीजों को उठानी पड़ रही हैं। तो कोलकाता वाले मामले पर पूरे देश में इस वक्त प्रदर्शन है। भोपाल इंदौर में आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे डॉक्टर्स कैंपस में बाहर नारेबाजी करते नजर आए। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर बाकी सब काम बंद करके हड़ताल कर रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। उधर कोलकाता हाईकोर्ट ने ऑलरेडी इस मामले की जाँच सीबीआई के सुपुर्द की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस पर कई बार डॉक्टर्स से पहुंच करके बातचीत करने का प्रयास किया है, लेकिन कोलकाता समेत, पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में
रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है, जिसमें उन्हें विभिन्न मेडिकल संगठनों का सपोर्ट भी हासिल है। भोपाल इंदौर की तस्वीरें जहां डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बड़ा अपडेट आपको इसी मामले में दे दें, कोलकाता रेप केस में बड़ा अपडेट है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसका आज का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कोलकाता में रेप केस की अब सीबीआई जांच करेगी। हाईकोर्ट ने इसका आदेश जारी कर दिया है। ये बड़ा अपडेट है। हाईकोर्ट का आदेश है कि कोलकाता रेप केस में जो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, पहले रेप और फिर ब्रुटल हत्या, आरोपी पकड़ा गया लेकिन उसे फांसी देने की मांग पर प्रदर्शन हो रहा है। अब उसकी ट्रांसपेरेंट जांच के लिए जितने प्रदर्शन हो रहे थे, इस पर कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश है सीबीआई जांच करे, आदेश जारी हो गया है। तो कल सीबीआई को यह केस सौंप दिया जाएगा, यह आदेश आज आ चुका है। खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक समाजवादी पार्टी नेता को गिरफ्तार किया है। आरोपी नेता समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का करीबी और उनकी पत्नी डिंपल का सांसद प्रतिनिधि रहा है। मामला कन्नौज कोतवाली के अड़ंगापुर गांव का है। आरोपी नवाब सिंह यादव को पुलिस ने रविवार देर रात गिरफ्तार किया था। 15 साल की नाबालिग अपनी बुआ के साथ आरोपी के कॉलेज में नौकरी मांगने गई थी। आरोप है कि बुआ टॉयलेट के लिए गई और इसी दौरान नवाब सिंह यादव ने जबरदस्ती नाबालिग के कपड़े उतरवाए। पीड़ित बच्चे के फोन कॉल पर पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद सोमवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने फोटो खिंचाने वाले नेताओं को लेकर कहा कि फोटो वाले नेता आंदोलन करते हैं तो करो आंदोलन, जलाओ दुकान, तोड़फोड़ करो, फिर भी ना हो तो कुछ भी करो। हम विधायक हैं, लोकतंत्र कानून पर विश्वास करते हैं। लोकतंत्र किस लिए है? हम उसको बचाने के लिए। बाबू के बयान पर भाजपा ने निशाना साधा। रजनीश अग्रवाल ने कहा कि दरअसल कांग्रेस अराजकता ही फैलाने का काम करती। जो यहाँ फोटो खचाने वाले नेते आते हैं उनका भी पता चल जाएगा चेतन के अंदर। तो मेरा कहना है आप आजाद हो, खूब धरना बैठो, दुकान जलाओ, तोड़ा फोड़ी करो, अगर फ्री होगा तो कुछ भी करो। अगर फिर लोकतंत्र कानून किसके लिए बनाया फिर कलेक्टर लेकर, उसी कोई मना नहीं है, पर अगर मेरी बात माने तो 19 तारीख को फिर मैं बैठो भाई के साथ है और सब युवाओं के साथ है। ये कोई अपनी खेती जमीन जायदाद के नहीं लड़ रहा, लोगों के लिए लड़ रहा है। देखिए कांग्रेस में कहीं कोई दीन धर्म बचा नहीं है, सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ तो भी चल रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से अराजकता का प्रतीक बन चुकी है और उसी का प्रतिनिधित्व श्रीमान विधायक जी कर रहे हैं। तो सागर की लाखा बंजारा झील में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सागर विधायक शैलेंद्र जैन पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर सागर को आंखों से देखें तो यहां विकास किसका हुआ है? जिस झील में विधायक शैलेंद्र जैन गंगा आरती कर रहे हैं, उन्होंने पूछा कि क्या उसके पानी से विधायक आचमन कर सकते हैं, क्या उसका पानी पी सकते हैं? विधायक ने इसके जवाब में कहा कि वो आकर यहां देखें, उन्होंने अपने 60 साल के कालखंड में एक पैसा खर्चा नहीं किया, सागर के तालाब को ठीक करने की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ाया। दमोह के बहुचर्चित धर्मांतरण और चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में आरोपी मिशनरी अजय लाल दमोह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद दमोह पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे थे। मगर जैसे ही आरोपी देश छोड़कर भागने के फिराक में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, पुलिस ने तत्काल ही आरोपी को रोक लिया। दरपखांजूर के अवधपुर जलाशय के बांध का गेट टूट गया है। बांध का गेट टूटने से पानी तेज बहाव के साथ बाहर निकल रहा है, जिससे आसपास के लोगों में दहशत है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही ग्रामीण और किसानों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। बता दें 9 अगस्त को बांध में दरार आ गई थी। 4 दिनों तक दरार को सुधारने की कोशिश हुई लेकिन प्रशासन की हर कोशिश नाकाम रही। आखिरकार बांध का गेट टूट गया। हालांकि
बांध में दरार आने के बाद दो गेट को खोलकर पानी का दबाव कम करने की कोशिश की जा रही थी। बता दें, दो महीने पहले ही बांध में मरम्मत कार्य किया गया था। ऐसे में अब काम की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। मुरैना जिले के संबलगढ़ तहसील के टोंग गांव में एक प्राचीन तालाब आज सुबह फूट गया। तालाब फूटने से 24 से ज्यादा गांव के आसपास के खेतों में पानी भर गया। कलेक्टर, एसपी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी रात भर तालाब के आसपास मौजूद थे और जब तालाब का पानी खेतों में भरने लगा तो पानी को कैनाल नहर में डाइवर्ट किया गया। जल संसाधन विभाग की टीम ने दो तीन जगह नालियां बनाकर पानी निकालने के प्रयास भी किए। तो टॉप फाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर अपडेट का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी है। आप देखते रहें IBC 24। हमें इजाजत दें। नमस्कार।